स्टडी एग्रीकल्चर में आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो होगा कंप्यूटर नेटवर्क सीरीज में मॉड्यूलेशन का नेक्स्ट पार्ट। जब हमने टॉपिक स्टार्ट किया इसे प्रीवियस वीडियो में डिजिटल टू डिजिटल मॉड्यूलेशन, अब डिजिटल टू डिजिटल मॉड्यूलेशन में हमने एनालॉग डिस्कस किया। एनालॉग के भी फर्दर टाइप्स थे लाइक यूनिपोलर, पोलर एंड बाइपोलर, जिसके अंदर से हमने यूनिपोलर एंड बाइपोलर को डिस्कस किया था। बाइपोलर के भी फर्दर टाइप्स कौन से, एनआरजेड एंड इन्वर्टिंग एनआरजेड। एनआरजेड हमने डिस्कस कर लिया था क्या होता है, जहाँ पर हम पॉजिटिव पार्ट को वन से शो करते हैं, अगर सिग्नल एग्जिस्ट कर रहा है देन हम किस पे रिप्रेजेंट करेंगे उसको, बार पर वन रिप्रेजेंट करेंगे कि यहाँ पर वैल्यू वन है, यानी कि सिग्नल जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। अगर सिग्नल एग्जिस्ट नहीं करता तो हम नेगेटिव में आ जाएंगे यानी कि जीरो पे। लेकिन ऐसा तो होगा ही नहीं कि ट्रांसमिशन नहीं है, लाइक पॉजिटिव में हमने कर दिया, नेगेटिव में भी कर दिया कि पॉजिटिव सिग्नल पे वन आएगा, नेगेटिव सिग्नल पे जीरो आएगा। लेकिन उस टाइम पे क्या होगा, सिस्टम हम कुछ ट्रांसमिशन कर ही नहीं रहे। अब जीरो भी हमने यूज़ कर लिया, वन भी यूज़ कर लिया, और बाइनरी में तो सिर्फ डिजिट ही टू होती है, या तो वन या जीरो, दोनों ही हमने यूज़ कर ली। तो फिर हम क्या यूज़ करेंगे जिस टाइम ट्रांसमिशन नहीं हो रहा, हम कुछ यूज़ नहीं करेंगे उस टाइम पे, क्योंकि हमें पता है पॉजिटिव है तो वन है, नेगेटिव है तो जीरो है। लेकिन जिस टाइम कुछ नहीं है ना, उस टाइम ट्रांसमिशन ही नहीं हो रहा, ना तो वन है ना जीरो है, यानी कि इस टाइम पे कोई ट्रांसमिशन हो ही नहीं रहा, ना तो पॉजिटिव ट्रांसमिशन है ना ही नेगेटिव। इससे अपोजिट आता है इन्वर्टिंग एनआरजेड, जो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं एनआरजेड। इन्वर्टिंग एनआरजेड में क्या होता है, इट वर्क्स बाय यूजिंग द इन्वर्जन ऑफ वोल्टेज लेवल टू रिप्रेजेंट द बाइनरी। ये क्या करता है, वोल्टेज के लेवल को चेंज कर देता है। लाइक जैसे हमने एनआरजेड अभी डिस्कस किया, एनआरजेड में पॉजिटिव में वन था, नेगेटिव में जीरो था। अब इन्वर्ट करने का मीनिंग यहाँ पर क्या होगा, इट वर्क बाय यूजिंग द इन्वर्जन ऑफ वोल्टेज। ये किस तरह से काम करता है, ये इस तरह से काम करता है कि इन्वर्ट कर दे ये वोल्टेज को, वोल्टेज यानी अगर जीरो है देन वन कर दे, वन है तो जीरो कर दे, पॉजिटिव को नेगेटिव बना दे और नेगेटिव को पॉजिटिव बना दे। इन्वर्टिंग का काम यही होता है, जो भी आपके पास बिट है अगर उसके आगे हम इन्वर्टर लगा दें या नॉट गेट लगा दें तो वो पर्टिकुलर वैल्यू जो है वो चेंज हो जाती है, राइट। यही होता है, जीरो के आगे नॉट गेट लगाया तो वन हो जाएगा, वन के आगे नॉट गेट लगाया तो जीरो हो जाएगा, यही चीज़ होती है। तो ये इन्वर्जन का काम कौन करता है, इन्वर्टिंग। अब इन्वर्ट कर दिया हमने बाइनरी वैल्यूज, वन को जीरो से, जीरो को वन से, देयरफॉर इट द चेंज इन वोल्टेज लेवल रेदर देन द एक्चुअल पोलैरिटी। इसलिए यहाँ पर वोल्टेज के लेवल पर चेंज आता है, पोलैरिटी में चेंज नहीं आता। पोलैरिटी यानी कि वोल्टेज का लेवल चेंज हो जाएगा, कभी पॉजिटिव में आ रहा है कभी नेगेटिव में आ रहा है, बट यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव वाली जो पोलैरिटी है कि हम एक पॉजिटिव में लेके चलेंगे एक नेगेटिव में, वो सेम रहेगी। बोला जा रहा है यहाँ पर होगा क्या, यहाँ पर चेंज आएगा वोल्टेज के लेवल पर, कभी वोल्टेज हाई हो रही है कभी वोल्टेज लो हो रहा है, पोलैरिटी में चेंज नहीं आएगा, हम काम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पर ही करेंगे। इफ द नेक्स्ट बिट इन अ रो देयर विल बी द वोल्टेज चेंज, अगर नेक्स्ट वाली पे हम जा रहे हैं वोल्टेज पे और वो वोल्टेज चेंज हो रही है, इट इज द जीरो देयर विल बी द नो चेंज। अगर वहां पर जीरो आता है तो इसका मीनिंग है कोई चेंज नहीं हुआ वोल्टेज में, अगर वहां पर आता है वन तो इसका मीनिंग है चेंज हुआ है, चाहे आप पॉजिटिव में चेंज लगा लो या नेगेटिव में, चाहे पॉजिटिव में चेंज हो रहा है या फिर नेगेटिव में चेंज होना चाहिए, बस इतनी सी बात है कि चेंज हो जाए, पॉजिटिव में चेंज हो या नेगेटिव में, किसी में भी टाइप में चेंज होगा तो वहां पर हम वन से रिप्रेजेंट करेंगे कि यहाँ पर चेंज हुआ है, और जहां चेंज नहीं होगा सिमिलर रहेगा वहां पर हम जीरो से रिप्रेजेंट करेंगे। ये एनआरजेड से अपोजिट ही है, क्योंकि पॉजिटिव वहां पर हम करते क्या थे, पॉजिटिव को वन से और नेगेटिव को जीरो से रिप्रेजेंट करते थे, एंड फ्री ट्रांसमिशन होता था, यानी कि ट्रांसमिशन है ही नहीं जिस टाइम पर आपकी लाइन जो है वो फ्री रहती थी या आइडल रहती थी। इससे अपोजिट इन्वर्टिंग है, इन्वर्टिंग में क्या है, चाहे पॉजिटिव लेवल हो या नेगेटिव लेवल हो, दोनों में से किसी में जरा सा भी चेंज आता है उसकी लेवल में वोल्टेज में, देन उसको हम वन से रिप्रेजेंट करेंगे अदरवाइज जीरो से। ये है इसका डायग्राम, डायग्राम में देखिए सबसे पहले इसकी हाई वोल्टेज थी, हाई से ये वोल्टेज लो जा रही है, हाई वोल्टेज से वोल्टेज कहाँ जा रही है, लो में, तो हाई वोल्टेज से लो में जा रही है, इसका मीन्स चेंज तो हुआ, चाहे पॉजिटिव से नेगेटिव आ रही है या नेगेटिव से पॉजिटिव जा रही है, चेंज होना चाहिए। यहाँ पर क्या चेंज हो रहा है, हाई से लो जा रही है, तो यहाँ पर चेंज आएगा, ठीक है चेंज हो रहा है, इसलिए यहाँ पर हमने वन से रिप्रेजेंट किया। फिर नेक्स्ट वाले स्टेज, इस वाले स्टेज से हम नेक्स्ट पे गए, नो चेंज, चेंज नहीं हो रहा तो जीरो लिखेंगे, फिर इससे नेक्स्ट पे गए, यहाँ पर तो चेंज हो रहा है, यहाँ पर लो से हाई वोल्टेज जा रही है तो वन लिखेंगे, फिर नेक्स्ट वाले पे जाएंगे तो हाई से लो वोल्टेज जा रही है जीरो, नो चेंज, नेक्स्ट वाले पे चेंज नहीं हुआ, फिर नेक्स्ट पे भी सिमिलर है नो चेंज, फिर नेक्स्ट पे हाई वोल्टेज चला गया, हाई वोल्टेज है तो चेंज हुआ यानी कि वन,
फिर नेक्स्ट वाला हाई ही है, अभी तक हाई मेंटेन है, देन वन, फिर जो चेंज होगा उसके अकॉर्डिंग आप लिखते रहना चेंज है या नहीं है। इस तरह से आप रिप्रेजेंट किया जाता है इन्वर्टिंग एनर्जेट को। फिर आता है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसे हम बोलते हैं पेपर के इंटरव्यू में या किसी भी अकॉर्डिंग जो भी आप कंप्यूटर नेटवर्क सीरीज में पढ़ते हैं, सबसे मेन एनकोडिंग की एल्गोरिदम है मैनचेस्टर एल्गोरिदम, मैनचेस्टर एनकोडिंग। ईजी है, कोई इसके अंदर डिफिकल्टी नहीं है, लाइक इन्वर्टिंग नॉन इन्वर्टिंग आपने जो भी डिस्कस किया सिमिलरली कॉन्सेप्ट है। तो मैनचेस्टर कोडिंग, मैनचेस्टर एनकोडिंग क्या होती है? इट यूजिंग द इन्वर्जन एट द मिडल ऑफ ईच बिट इंटरवल फॉर द सिंक्रोनाइजेशन एंड द बिट रिप्रेजेंटेशन। यहाँ पर क्या होता है, जो भी चेंजेस आएंगे उस टाइम पर लेवल में जो चेंज आ रहा है फ्रीक्वेंसी के, जो लेवल में चेंज आ रहा है उसकी वोल्टेज में चेंज आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग जीरो एंड वन के थ्रू यहाँ पर हम रिप्रेजेंट करेंगे और डेटा जो है आपस में सिंक रहेगा। इट यूजेज द इन्वर्जन, ये इन्वर्जन का यूज करता है एट द मिडल ऑफ ईच बिट, हर एक बिट के बाद, चाहे वन से जीरो हो जीरो से वन हो, बीच में एक इन्वर्जन यूज किया जाता है। इंटरवल फॉर द बोथ सिंक्रोनाइजेशन, दोनों के ही सिंक्रोनाइजेशन के लिए एंड द बिट रिप्रेजेंटेशन। ए नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव ट्रांसमिशन के लिए, नेगेटिव से पॉजिटिव जाने के लिए यानी लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज में जाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, वन का, और पॉजिटिव से नेगेटिव में आने के लिए जीरो का। ऑब्वियस है कि आप नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं, इंक्रीज हो रहा है कुछ तो वन आएगा, कुछ डिक्रीज हो रहा है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ आ रहे हैं तो उसको हम जीरो से रिप्रेजेंट करेंगे। इसे बोलते हैं बिट रिप्रेजेंटेशन, कि बिट्स के थ्रू हम कुछ रिप्रेजेंट कर रहे हैं। डायग्राम में आप देख रहे हैं एक डायग्राम बना हुआ है जो जीरो एंड वन से रिप्रेजेंट किया गया। कैसे? अब हमें करना क्या है, जैसे भी हमने डिस्कस किया, अगर हम नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं देन वन, पॉजिटिव से नेगेटिव आ रहे हैं देन जीरो। अब यहाँ पर ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव से हम नेगेटिव में जा रहे हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव में जा रहे हैं तो यहाँ पे क्या आएगा, जीरो। जैसे मैंने आपको बताया भी था कि ये एनआरजेड एंड इन्वर्टिंग एनआरजेड नॉन रिटर्निंग जीरो दोनों का कॉम्बिनेशन होता है मैनचेस्टर एनकोडिंग। कुछ डिफिकल्ट बात नहीं है, बस आपको रूल्स को याद रखना है, एनआरजेड में किसको वन से जीरो से रिप्रेजेंट करना है, इन्वर्टिंग एनआरजेड में किसको जीरो एंड वन से रिप्रेजेंट करना है, एंड मैनचेस्टर एनकोडिंग में कौन जीरो है और कौन वन है। सिर्फ इतना, और कुछ याद रखने की नीड ही नहीं है। जब आप पॉजिटिव से नेगेटिव आ रहे हैं तो जीरो, फिर कॉन्स्टेंट रहे, फिर वापस से नेगेटिव से आप पॉजिटिव जा रहे हैं देन वन, फिर सेम है यहाँ पर पॉजिटिव, पॉजिटिव से फिर नेगेटिव आएंगे जीरो, फिर नेगेटिव से वन, वन फिर डाउन जीरो, इस तरह से जीरो एंड वन यहाँ पर आपको फीडअप करना है। यहाँ पर लिखा भी है कि अगर आप पॉजिटिव से नेगेटिव में जाएंगे देन जीरो आएगा, एंड नेगेटिव टू पॉजिटिव जाएंगे देन वन आएगा। नेक्स्ट जो आता है टाइप, वो आता है बाइपोलर एनकोडिंग। बाइपोलर एनकोडिंग में क्या होता है, इट यूटिलाइज द थ्री वोल्टेज लेवल, यहाँ पर थोड़ा और इंक्रीज हो जाता है। देखिए यूनिपोलर जो आता है सबसे फर्स्ट टाइप एनकोडिंग का, वहाँ पर सिर्फ हम एक ही वोल्टेज का यूज़ करते हैं और वो है पॉजिटिव, जो रहेगा पॉजिटिव में ही रहेगा, जीरो भी और वन भी। फिर आता है सेकेंड टाइप, वो आता है बाइपोलर, बाइपोलर नहीं ओनली पोलर। पोलर में क्या होता है, नेगेटिव भी होता है पॉजिटिव भी होता है, बट अलग अलग टाइप से यूज़ किया जाता है, कहाँ पे जीरो कहाँ पे वन करना है। एनर्जेट में अलग रूल है, इन्वर्टिंग एनर्जेट में अलग रूल है, मैनचेस्टर एनकोडिंग में अलग रूल है, ये सब इसके अंदर में आते हैं पोलर की। फिर जो नेक्स्ट स्टेज पे, अभी हमने वन यूज़ किया, फिर नेगेटिव पॉजिटिव टू यूज़ किए, अब हम थर्ड पे जाएंगे बाइपोलर पे। बाइपोलर पे हम थ्री वोल्टेज के लेवल को डिस्कस करेंगे, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी और न्यूट्रल भी, पॉजिटिव नेगेटिव एंड न्यूट्रल। जीरो इज टू बी रिप्रेजेंट बाइनरी जीरो, जीरो को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, बाइनरी के जीरो से, नॉर्मल। जो पॉजिटिव वाला पार्ट होगा पॉजिटिव को हम वन से रिप्रेजेंट करेंगे और नेगेटिव को माइनस वन से। समझ में आया क्या करना है, जीरो को जीरो से, पॉजिटिव वन को, पॉजिटिव जो ऑल्टरनेट है वहाँ पर वन से, नेगेटिव को माइनस वन से। अब कॉमन टाइप ऑफ बाइपोलर एनकोडिंग, बाइपोलर एनकोडिंग का सबसे कॉमन टाइप क्या है, AMI, अल्टरनेट मार्क इन्वर्जन। अल्टरनेट मार्क इन्वर्जन क्या होगा इसमें, अल्टरनेट मार्क इन्वर्जन में AMI, इट इज़ अ बाइपोलर एनकोडिंग। ये बाइपोलर एनकोडिंग है, इसका मीनिंग यहाँ पर हम थ्री वोल्टेज लेवल का यूज़ करेंगे। सिस्टम पे आर द न्यूट्रल वोल्टेज रिप्रेजेंट, न्यूट्रल किसको रिप्रेजेंट करेगा, जीरो को, और पॉजिटिव पार्ट किसको रिप्रेजेंट करेगा, पॉजिटिव वन को, नेगेटिव पार्ट नेगेटिव वन को। सेम वही बाइपोलर वाला सिस्टम, यहाँ पर बस डायग्राम के थ्रू आपको समझाया गया। लाइक देखिए आप, यहाँ पर न्यूट्रल है, कोई ट्रांसमिशन नहीं हो रहा, जीरो, फिर एक बार ट्रांसमिशन हुआ वन, फिर ट्रांसमिशन पॉजिटिव में हुआ था ना तो वन, अब यहाँ पर न्यूट्रल रहा कुछ टाइम के लिए तो जीरो जीरो, फिर माइनस वन में गया देन माइनस वन से रिप्रेजेंट करेंगे, इसी तरह। ठीक है, तो ये होता है बाइपोलर एनकोडिंग, जिसके अंदर सबसे फर्स्ट टाइप आता है ऑल्टरनेट मार्क इन्वर्जन। तो सर ये था मेरा आज का टॉपिक, आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आया। फिर भी इस टॉपिक को समझने में आपको कोई भी डाउट आता है
जरा हमें कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हमारे चैनल स्टडी हैक विद महक को लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो बाकी सभी डिवाइसेस से भी सब्सक्राइब करा सकते हैं, क्योंकि सब्सक्राइबर्स बहुत ज़रूरी हैं। देन कमेंट करें।